हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम, पेट 2023। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 28 अक्टूबर 2023 को, और यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट की। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत जो हमारे जीएस करंट अफेयर इनके क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हम 51 to 70 क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर और जीएस के हिस्से हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर शिवाजी डेथ, शिवाजी की मृत्यु के बाद इफेक्टिव पावर जो है मराठा की वो किसके हाथों में आती है, सॉरी, पावर ऑफ द मराठा स्टेट वर वेल्डेड बाय द फैमिली ऑफ चित्पावन ब्रह्मनाज, हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज अ पेशवा, और इन्होंने किस शहर को अपना क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था, ये पूछा गया है। कैपिटल बिकम द मराठा किंगडम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पुणे, ऑप्शन डी होगा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी बिकेम नोन एज जीना, और जीना का मतलब यहाँ पर होता है कंक्वेरर, विजेता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, 1722 द सूबेदारी ऑफ आगरा, सूबेदारी ऑफ आगरा वॉज गिवन टू सवाई जयसिंह, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो चुका है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग हैड एग्जॉर्टेड हिज कलीग टू रियलाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रिटिश मेड एंड वॉज वर्क ऑन द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश लाइक्ड टू बी वर्कड आउट। सो ये कहा था सोमनाथ लहरी ने। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एज मैंशनड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन देयर वर 5 मेजर पोलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर इंक्लूडिंग द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड 4 अदर प्रोविंशियल सेंटर्स, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्रोविंशियल सेंटर। तो इनमें से कौन सा सेंटर नहीं था, तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ जो था वो नहीं था। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। ऋग्वेद कंटेन्स डायलॉग बिटवीन द साग नेम्स विश्वामित्र एंड विच ऑफ द टू फॉलोइंग रिवर्स, तो रिवर्स थी यहाँ पर ब्यास और सतलुज। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 7th। चित्रंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू हैड फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द कांग्रेस टू अर्ग फॉर द रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी वो थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है वेयर वॉज द सेशन, वो कौन सा सेशन था जिस टाइम पर महात्मा गांधी कन्विंस करते हैं अदर लीडर को टू स्टार्ट द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत और एज वेल एज स्वराज, तो वो सेशन था कलकत्ता का सेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ओरिया प्लेट्यू ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन द राजस्थान के अंदर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। What causes rainfall in the coastal areas of Tamil Nadu in the beginning of winters? Winter की beginning में, तो यहाँ पर north east monsoon रहेगा। Option A होगा 13 नंबर question का correct answer। Question number 9 पर आते हैं, यहाँ पर पूछा है who among the following was the founder of खुदाई खिदमतगार and also known as बादशाह खान, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। Option D correct answer होगा। हिंदुस्तान गदर पार्टी, इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर 1913 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विच टाइप ऑफ ग्रेनाइट इज फाउंड इन जालौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर राखी ग्रीन ग्रेनाइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सिरूरी और सिरोई लिली इज द ओनली टेरेस्ट्रियल लिली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बंडेल चर्च जो है ये कहाँ पर बना है, ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है हु अप्रूव द फेयर एंड रिमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, ये अप्रूव करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन? तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो है आपका नाबार्ड। ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटिंग द राइट टू वर्क? सो दिस इज अबाउट द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 20 हो चुका है। विच ऑफ द सॉरी विद द पासिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया बिकेम द डोमिनियन एंड डोमिनियन लेजिस्लेचर मेट लॉ फ्रॉम द 1947 1948 अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ 1935? तो यहाँ पर सेक्शन है सेक्शन 100। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद द हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई पर्सन मिनिस्टर बनता है पार्लियामेंट में और वो मेंबर नहीं है, तो वो कितने टाइम के लिए रह सकता है? तो प्रेसिडेंट उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, वो फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं, ओके दिस इज 26 23 नंबर क्वेश्चन, 22 हो चुके हैं। नेम द हाई कोर्ट, जो अंडमान एंड निकोबार है वो किस हाई कोर्ट की टेरिटरी के अंदर आता है? या आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग्स? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना एक डाउट है मुझे, देखिए करेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन को करेक्ट होना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए था नॉट करेक्ट, है ना? तो क्योंकि हाउस ऑफ द वोकल कॉर्ड ये करेक्ट है, यहाँ पर प्रिवेंट द इन्वेडिंग पैथोजन इन टू द ट्रैकिया ये भी करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब तीन स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और सिर्फ एक ही चीज़ पूछी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रेक्टिफाई होगा, 26 नंबर क्वेश्चन। नॉट करेक्ट पूछेगा तब तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, इसको रिमूव करेगा आयोग। आगे बढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज विच टाइप ऑफ कोलाइड, दैट इज सोल। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 27 नंबर क्वेश्चन। 24 पर आते हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कब लागू होता है? ये होता है दिसंबर 1992 को, ये हो चुका है। 28 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कोएगुलेट द पोटैश प्रोटोप्लाज्म इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट और बिल वर प्रपोज्ड बाय द मोतीलाल नेहरू, दैट इज द बिल ऑफ राइट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज सॉरी विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इनर सोलर सिस्टम, दैट इज सेरिस। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, दैट इज द मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, दोनों ही नाम है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन हो गए, फिर ये आपकी रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं सीधा 51 नंबर क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ है 51 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली शुभांकर शर्मा ये हैं, इनको अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था ये पूछा है सिंपली, ये है 2018 के अंदर। 54 को देख लेते हैं, विच पोर्टल, ये कौन सा वो पोर्टल है जिसे डी वाई चंद्रचूड़ ने इनोग्रेट किया था फॉर एडवोकेट और लिटिगेंट्स और सिटीजन्स के लिए कि वो क्यू आर बेस्ड ई पास उनको मिले, वो था सुस्वागतम, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं पहले। 52 है यहाँ पर आपका, कौन सी वो एजेंसी है जिसने ज्वाइन किया है एज अ मेंबर इन द एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, वो है आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन डी होगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 53 भी देख लेते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ स्टार्टअप 28 गुरुग्राम इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर द टॉर्च टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये इंडिया ने हैंड ओवर किया है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर सी होगा 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो इसमें पूछा है, यूनियन मिनिस्टर जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी, उन्होंने एक लॉन्च की है बेसिकली ये भारत NCAP, ठीक है, और यहाँ पर NCAP का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होता है आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी एज ग्रुप के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर
30, 23 साल और 60 साल, ये होना चाहिए मतलब, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो यहाँ पर पूछा है, इंडिया यूएस टास्क फोर्स हैज सेट अप एलिवेट ट्रेड ऑफ 100 बिलियन डॉलर्स इन द नेक्स्ट डिकेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे बैग PMI साउथ एशिया अवार्ड फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर। द प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन सिस्टम टू सेव द लाइफ ऑफ विच एनिमल्स, दैट इज एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेम द एनिमल ट्रेनिंग एक्सरसाइज एम्बार्क्ड बाय द वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ त्रिशूल। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। वर्ल्ड्स फर्स्ट 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट जैब इज रोल्ड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दैट इज इन द इंग्लैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मियानम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये आपकी सिक्किम के अंदर है। 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 62 पर आते हैं, यहाँ पर पूछा है रमप्पा टेम्पल जो है कि पालमपेट विलेज के अंदर है तेलंगाना में, और इसे किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ये पूछा गया है। यह है काकतिया डायनेस्टी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 66, OPCW दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसके अंदर कितने मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर देश हैं, 193 हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव, दैट इज द देवेही। ऑप्शन डी यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, द पुला इज द नेशनल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट कंट्री। तो 68 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बोट्सवाना। ऑप्शन नंबर ए होगा 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 63 पर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 75। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कोथू इज अ सोशल रिलीजियस आर्ट परफॉर्म्ड इन कोथम्बालम टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सो इन द केरला, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, तो पेरुंगदाई ये एक वर्क है, एपिक प्रोपोर्शन ऑफ कोंगरू विलेयर, ये बिलोंग करता है किस लिटरेचर के साथ, ये बिलोंग करता है तमिल लिटरेचर के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ पर हैं, मैसूर कर्नाटका के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड वॉज रिनेम्ड एज अ शौर्य चक्र इन द 1967 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द अशोक चक्र थर्ड क्लास, ठीक है, क्लास थ्री। तो ये हो गए 70 क्वेश्चंस, ठीक है, और इसके बाद जो है आपके हिंदी और वो बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। तो हमारा यहाँ पर जो कंसर्न था दैट वाज रिलेटेड विद द GS और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखना था, ठीक है। और ये पेपर हम कर रहे थे UP SSC का पेट एग्ज़ाम, जो कि हुआ है आपका पेट 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के और नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।